we greet all of you in the name of jesus christ और आज के दिन मैं आप सब का स्वागत और अभिवादन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में uh, nice to be with you for a short period of few minutes uh, before we begin this day और आज की सुबह आपके संग कुछ समय बिताने के लिए मिला इसका मैं परमेश्वर के धन्यवाद करता हूं और इससे पहले कि हम दिन की दिनचर्या में या कामों में व्यस्त हो जाएं कुछ समय हम परमेश्वर के संग बिताएंगे एंड लेट अस गिव मिनट्स ऑफ लिसनिंग टू गॉड्स वॉइस थ्रू हिज वर्ड और होने दें हम कुछ समय परमेश्वर की वाणी को उसके वचन से सुनने के लिए देंगे गॉड इज अ गुड गॉड और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है एंड वी विल कंटिन्यू द मेडिटेशन

वर्ड फ्रेस और, uh, और हमारा पिछला भाग जो इस मनन का था उसे हमने समाप्त किया था स्तुति की परिभाषा को बताते हुए इट इज एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस एस्टीम ऑफ अ पर्सन और ये तो एक ऐसा कार्य है एक व्यक्ति का जिसकी द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के प्रति जो आदर और सम्मान है उसे दिखाता है। और वो व्यक्ति आराधना या स्तुति के योग्य है वर्ड प्रेज मीन्स टू प्राइज और जो शब्द स्तुति है इसका मतलब है कि किसी को बहुत बहुमूल्य आंकना टू प्राइज मीन्स टू वैल्यू और इस बहुमूल्य आँखने का मतलब है एक ऐसा आ, किसी को मानना जिस बहुत अतुलनीय हो ड्यूरिंग आवर टाइम्स ऑफ फ्रेस वी चेरिश एंड एस्टीम गॉड विथ आवर वर्ड्स और हमारे प्रार्थना और परमेश्वर के संग जो रिश्ता है हम परमेश्वर को अपने वचन या अपनी वाणी या शब्दों के द्वारा उसका प्रशंसा करते हैं। Words of adoration. और वो शब्द जो उसकी महिमा को वर्णन करे एंड लेट एस कंटिन्यू दिस सब्जेक्ट फॉर टूडेडिटेशन और well. आज के मनन के लिए हम इसी भाग को जारी रखेंगे प्राइस means मींस टू the worth ऑफ और मूल्य का मतलब यह भी है कि हम किसी बात या किसी वस्तु का मूल्य आंकते हैं इन प्रेस वी मेंटली गैदर टुगेदर ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट गॉड एंड पुट दीस फैक्ट्स इन टू वर्ड्स और स्तुति में हम करते ऐसा है कि मानसिक रूप से हम जो भी परमेश्वर के बारे में सत्य और सच्चाइयों को जानते हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा कर कर शब्दों में उसका वर्णन करते हैं And I would like to four this of और मैं चार ऐसी बातों को स्तुति के बारे में आपको बताना चाहता हूं नंबर वन पहली बात, वी शुड प्रेज़ गॉड फॉर हिस नेम हमें परमेश्वर की आराधना या उसकी स्तुति करनी है, उसके नाम के लिए। According to Psalm number 115, verse one और भजन संगीता 115 उसका पहला वचन। It says, "Not to us, O Lord, not to us." बट यूर ने उसमें लिखा है परमेश्वर हमें नहीं हमें नहीं लेकिन सारी महिमा तेरे नाम को मिलने पाए बिकॉज ऑफ यूर लव एंड फेथफुलनेस क्योंकि तेरा प्रेम और विश्वासी योग्यता ही हमारे लिए है So his name is to be फ्रे और इसलिए उसके नाम का स्तुति करना आवश्यक है And we praise God for the name of Jesus Christ the Lord. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। Only in the New Testament his name, his full name appears. और सिर्फ नए नियम में ही उसका पूरा नाम दिखता है। What is his full name? उसका पूरा नाम क्या है? The Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। Now our problem is We are very happy to have him as savior. और हमारी समस्या ये है कि हम उसे अपना उद्धार के रूप में पाकर तो बहुत खुश है और मीन का मतलब है उद्धार करता बट हाउट लेकिन दूसरे बातों दो, दो अलग बातें उनके बारे में क्या कहें क्राइस्ट इज द डिवाइन पर्सन हुमशिप लेकिन ये मसीही वो स्वर्गीय व्यक्तित्व है जिसकी आराधना हम करते the lord

जो परमेश्वर और प्रभु है उसी रूप में हमारे जीवन में आएगा एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस नॉट टू फॉरगेट दिस ट्रूथ और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस सच्चाई को भूले ना एज जीसस वी ट्रस्ट हिम एंड वी बिलीव इन हिम एंड दस वी आर सेव्ड और यीशु होते हुए हम उस पर विश्वास करते हैं उस पर भरोसा रखते हैं और इस विश्वास और भरोसे के कारण हम बचा लिए जाते As हैं एज क्राइस्ट We bow before Him in worship. और एक मसीहा होते हुए हम उसके सामने अपने सरों को झुकाते हैं और उसकी आराधना को करते हैं प्रभु होते हुए हम उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं क्योंकि वो एक राजा है एंड सो uh, so Jesus जीसस एंड इट रियली ऑनर्स गॉड इफ वी टेक टाइम and praise the name of Jesus Christ. और ये Lord. परमेश्वर के लिए बहुत ही आनंद की बात है जब हम यीशु मसीह के नाम को बहुमूल्य आंकते हैं। I say chapter nine verse six says. और यशेहा उसका नवा अध्याय और छठा वचन कहता है। For unto us a child is given, to us a son is given, and the government shall be on his shoulders.

let us let us worship him and praise him for his name और आइए हम उसकी आराधना करें उसकी स्तुति करें, उसकी वंदना करें एंड सेकंडली और दूसरी बात वी शुड प्रेज़ गॉड फॉर हिज राइट हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है उसकी धार्मिकता के कारण नंबर थर्टी फाइव वर्स ट्वेंटी एट से और भजन संगीता पैतीस और उसका आठवा वचन में लिखा है माई टंग शीक ऑफ यूर राइट एंड यूर फ्रेस ऑल डे लॉन्ग वचन 35 वर्स 28 और भजन 35 और उसके 28वें वचन में लिखा है तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी ओ यस राइटचसनेस मीन्स मीटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज राइट एंड जस्ट और धार्मिकता का मतलब यह है कि हम उस मापदंड को यह स्तर तक पहुंचे जो सही और अच्छा है जो परमेश्वर ने रखा है and God is the और याद रखिए परमेश्वर ही वो मापदंड है three, और तीसरी बात प्रेज गॉड फॉर हिज इनफिनिट Creation. परमेश्वर की स्तुति करें क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ी और असीमित पृथ्वी को रचा साम नंबर हंड्रेड एंड फिफ्टी वर्स टू से और भजन एक सौ पचास उसके दूसरे वचन में लिखा है him for his acts of power. उसकी पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो प्रे him फॉर his surpassing ग्रेटनेस उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो Hallelujah. Hallelujah. He is great. And greatly to be praised. फ्रेस याद रखिए परमेश्वर महान है और महानता के साथ ही उसकी स्तुति all honor and glory and praise. और वो सारी आदर सारी महिमा सारी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है and the fourth thing is. और जो चौथी बात है Praise God for His word परमेश्वर का स्तुति करें उसके वचन के लिए Now, Psalm fifty six ten says और भजन छप्पन उसका दसवां अध्याय इस बात को बताता है इन गॉड whose वर्ड आई praise और परमेश्वर जिसके शब्दों में या अपने शब्दों में जिसकी आराधना में कर इन द लॉर्ड whose वर्ड आई praise और वो परमेश्वर या प्रभु जिसके शब्दों में उसकी स्तुति होती है एंड सो वेन वी यूज द वर्ड फ्रे और जब स्तुति शब्द का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेटनेस ऑफ द पर्सन वी praise और उस व्यक्ति की महानता के अनुसार ही हम उसकी स्तुति करते हैं। करें गॉड हमारे परमेश्वर के बारे में क्या बियड कम्पेरिजन वो तो किसी की तुलना के अपार है ही इज बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन वो किसी वर्णन के अपार है इज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन और वो हमारी समझ के परे है एंड ही इज ग्रेट एंड ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स और एनी वन एल्स और वो महान है किसी भी वस्तु या व्यक्ति से ज्यादा महान उस महानता के अनुसार करनी नो वन वो इज एज वर्धी एज आवर गॉड द गॉड ऑफ दाइप और इस बात में और कोई दूसरा प्रभु या परमेश्वर नहीं जो हमारे परमेश्वर के समान निकले सो इन कंक्लूशन ऑफ दिस मेडिटेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इसलिए इस बात को खत्म करते हुए या इसका निष्कर्ष निकालते हुए इस मनन के भाग का गॉड फॉर नेम परमेश्वर का स्तुति करे उसके नाम के कारण गॉड फॉर हिज राइट परमेश्वर का स्तुति करे उसकी धार्मिकता के लिए प्रेज़ गॉड फॉर इमेश्वर का स्तुति करें उसके पराक्रमी कार्यों के लिए For his word. और अंत में परमेश्वर की स्तुति करें उसके वचन के लिए हिस वर्ल्ड इज ग्रेटर याद रखिए उसका वचन किसी दूसरी बात से बहुत ज्यादा महान है गॉड हेज एक्सॉल्टेड हिस्स वर्ड इवन अब हिस्स और परमेश्वर ने उसके वचन अपने वचन को उसके नाम से ऊंचा ठहरा बिकॉज वर्ड इज गॉड क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग वर्ड और यीशु मसीह वो जीवित वचन है द बाइबल इज द रिटन वर्ड और ये बाइबल ये लिखित वचन है बहुत आदत से ही और ये दोनों बातें एक ही है बाइबुल और इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाइबल का आराधना करना है गेट इन टू दर्ल्ड लेकिन उस वचन में हम जाएज यू मेडिटेट अगेन ऑन दिस वर्ल्ड और जैसे कि आप इन वचनों पर फिर से मनन करते May हैं स्पिरिट एंड लाइट यू होने दे पवित्र आत्मा आपको प्रकाशित द वर्ड इज लाइट एंड इट इज लैम It is a light to our path and lamp to our feet. और याद रखिए उसका वचन हमारे चरणों के लिए एक ज्योति और हमारे पदों के लिए एक मार्ग है. So walk in the light of his word. और इसलिए उसके वचन की ज्योति में आप चलिए। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष। Meditate on it again. और इस पर दोबारा मनन करें. And may the Lord enrich your understanding and your knowledge of और होने दे परमेश्वर आपकी समझ को और आपके ज्ञान को उसके वचन के प्रति और बढ़ाता चला जाए ग्रेट डे एक अच्छा दिन आपका बीते उसकी सेवा करने में आप आनंद उठन